संघात में हर बार मैं आपको लेकर जाती हूँ एक नए सफर पर। इस बार मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रही हूँ जो पिछले 2 सालों से जारी है। ये सफर है भोपाल वन व्रत में उजागर हुए भ्रष्टाचार का। हम सफर पर आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर देखिए मनरेगा में मन से हुए घोटाले की एक झलक। सीहोर के वन मंडलाधिकारी ने सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखकर मनरेगा में भ्रष्टाचार का इतिहास रच डाला। इस कारनामे को कहीं और नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में अंजाम दिया गया। सुबुद्धि ने बिना टेंडर निकाले सीमेंट के पोल खरीदे, भुगतान भी नकद दर्शाकर किया। परिक्षेत्र बुधनी अंतर्गत मार्च 2010 के मध्य लेखा में भुगतान की गई राशि 24,53,313 है, जबकि मजदूरों के खाते में 21,41,483 रुपए ही जमा किए गए। बाकी राशि 3,11,830 रुपए मजदूरों के खाते में जमा न कर फर्जी भुगतान किया गया। इस तरह जून 2010 के लेखा में भुगतान की गई राशि 1,74,276 रुपए दर्शाई गई है, जबकि मजदूरों के खाते में 59,840 रुपए ही जमा किए गए हैं। 27,19,940 रुपए के काम ठेके प्रणाली से करवाए। यही नहीं, कुछ कार्यों में तो मजदूरों की जगह मशीनों से काम लिया गया। पैसों का भुगतान कई ऐसे लोगों के नाम पर किया गया जो बुधनी के स्थानीय निवासी नहीं हैं। कई मजदूरों के खाते में रुपए जमा किए गए, लेकिन मजदूरों के पैसा वापस करने से मना करने पर उनके नाम काट कर दूसरे मजदूरों के खाते में पैसा जमा करवाया गया, जबकि इन मजदूरों के जॉब कार्ड तक नहीं बने थे। बुधनी के लिए बोर्ड बनवाने के नाम पर होशंगाबाद के गोविंद अग्रवाल के नाम पर 5,19,820 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि बोर्ड बनवाए ही नहीं गए। भ्रष्टाचार की हद तो तब हो गई जब लाड़कोई के परिक्षेत्राधिकारी वाईएस परमार ने 3,70,000 रुपए की फर्जी बीज खरीदी कर डाली। आरोप सिद्ध होने पर वन संरक्षक यूके सुबुद्धि ने परमार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए भुगतान वसूली के आदेश दे डाले, लेकिन बाद में अपने आदेश को निरस्त कर परमार से की जाने वाली वसूली को निरस्त कर दिया, जबकि नियमानुसार सुबुद्धि को आदेश निरस्त करने का अधिकार नहीं है। जब परत दर परत हमने खोला घोटालों का राज, तो वन विभाग भी हरकत में आया और जांच के नाम पर बिठा दी गई एक जांच समिति। इस जांच समिति ने 19 पेज की रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट ने भी बंसल न्यूज के खुलासे पर सच्चाई की मुहर लगाई। अक्टूबर 2010 में एक कमेटी गठित की गई, जिसके लगभग 2 माह बाद 23 दिसंबर को 19 पेज की रिपोर्ट पेश की गई और वक्त था कि सीसीएफ एसएस राजपूत इस पर अपना फैसला सुनाते, लेकिन रिपोर्ट पर कार्रवाई की जगह उन्होंने रिपोर्ट के भौतिक सत्यापन का निर्णय सुनाकर कर्तव्यों की इतिश्री कर दी। यहां से सिलसिला शुरू हुआ, तारीख पर तारीख, यानी एक जांच के बदले दूसरी जांच, और ये सिलसिला जब से शुरू हुआ है तो आज तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। भौतिक सत्यापन के नाम पर 3 ACF वाली एक और जांच कमेटी गठित की गई, जिसके सारे सदस्य भोपाल वन व्रत के अधिकारी ही थे। पूरे 4 माह बीतने पर इस समिति ने रिपोर्ट पेश की। खास बात ये थी कि समिति ने केवल 18 स्थानों पर निरीक्षण किया, जबकि भौतिक सत्यापन के लिए इन्हें 65 स्थानों पर जाना चाहिए था। साफ है कि समिति ने 1/3 से भी कम स्थानों का निरीक्षण किया। इन्हीं चंद स्थानों के आधार पर समिति ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर दी। हैरत होगी आपको जानकर, 18 में से 13 स्थानों पर किए गए कार्यों की मात्रा कम पाई गई,
फिर भी रिपोर्ट में इस पूरे घोटाले को मामूली अनियमितता बताकर जांच की खानापूर्ति करते हुए किए गए कार्यों को संतोषजनक बताया। इसी बीच विधानसभा में इस पूरे घोटाले से संबंधित प्रश्न भी उठे, जिस पर वन मंत्री सरताज सिंह को गुमराह करते हुए जानकारी इकट्ठा करने की बात कही गई। इसी मामले पर 26 अप्रैल 2011 में जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई। इस मामले में चीफ जस्टिस एस आर आलम और जस्टिस आर एस झा की युगलपीठ ने 18 मई 2011 को एक नोटिस जारी किया, जिसमें वन विभाग को 6 माह में जांच पूरी कर कार्रवाई करने के लिए कहा गया। मॉनसून सत्र में एक बार फिर इसी मामले पर विधानसभा में प्रश्न उठा। विपक्ष के दबाव के चलते आखिरकार वन मंत्री ने 14 में से 4 अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित करते हुए यूके सुबुद्धि को अभयदान दिया। चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत सुनी होगी आपने, और कुछ ऐसा ही हो रहा है इस मामले के जांच के साथ। एक मौसेरे भाई की जांच का जिम्मा सौंपा गया है दूसरे मौसेरे भाई को, जो जांच करते वक्त ये कभी नहीं भूलता कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं उनके घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। शायद इसीलिए आज तक चल रही है जांच पर जांच। ये सिलसिला तब थमा जब खुद आयुक्त ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने जांच के लिए खुद सीहोर के कलेक्टर को तैनात किया, जिनकी अध्यक्षता में नई जांच शुरू हुई और उसके नतीजे कुछ इस तरह सामने आए। आयुक्त कार्यालय से सीहोर कलेक्टर को पत्र लिखा गया, जिसके तहत इस संदर्भ में जांच के आदेश दिए गए। इसके बाद कलेक्टर द्वारा एक जांच समिति गठित की गई, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुधनी, तहसीलदार बुधनी एवं संयुक्त कलेक्टर जिला सीहोर को नियुक्त किया गया। दिनांक 4 अगस्त 2011 यानी 7 माह बाद कलेक्टर द्वारा गठित की गई समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उनकी रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा की नीति के अनुसार श्रमिक संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र का निवासी होना एवं श्रमिक के बैंक खाते में मजदूरी की राशि का भुगतान जमा किया जाना आवश्यक है, किंतु इसका उल्लंघन कर अन्य क्षेत्रों में निवासरत व्यक्तियों से कार्य कराया गया एवं कई श्रमिकों को भुगतान किसी एक व्यक्ति के खाते में वन परिक्षेत्र लाड़कोई एवं बुधनी में जमा किया गया। योजना के तहत जॉब रेट पर कार्य कराना प्रतिबंधित है, किंतु इसके विपरीत कार्य सर्वे, सीमांकन एवं विकृत पौधे कटाई का कार्य परिक्षेत्र लाड़कोई में कराया गया। साथ ही साथ इस कार्य में लगाए गए मजदूरों की मजदूरी की राशि उनके व्यक्तिगत खातों में जमा नहीं कर किसी अन्य व्यक्ति के खाते में कुल मजदूरी की राशि जमा की गई। इस प्रकार फर्जी भुगतान कर राशि आहरण की शिकायत प्रमाणित है, अतः रिपोर्ट में इसकी एफआईआर दर्ज कराने की अनुशंसा की गई है। वन परिक्षेत्र लाड़कुई के अंतर्गत सीमेंट पोल क्रय किए गए हैं। राजेश गौर, जिसके नाम से देयक प्रमाणक तैयार कर भुगतान करना बताया गया है, उसने जांच समिति को दिए गए अपने बयान में स्पष्ट किया है कि न तो उसके द्वारा सीमेंट पोल सप्लाई किए गए हैं, न उसे कोई भुगतान प्राप्त हुआ है और बिलों पर भी उसके हस्ताक्षर नहीं है। समिति द्वारा इस प्रकरण में भी एफआईआर दर्ज कराने की अनुशंसा हुई है। इस प्रकार नियमानुसार क्रय प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के साथ साथ क्रय हेतु दर्शित की गई संपूर्ण मात्रा भी प्राप्त होना प्रमाणित नहीं है तथा इनका भुगतान भी जांच समिति ने संदेहास्पद माना है। अब आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि कितनी बेबाकी के साथ मुख्यमंत्री के चुनावी क्षेत्र में अंजाम दिया गया इस प्रकरण को। आखिर इतनी हिम्मत एक सरकारी मुलाजिम में कैसे और कब आई, ये जानने के लिए एक नजर डालते हैं सुबुद्धि के पुराने कारनामों पर। वन मंडल उत्तर शहडोल में वन मंडल अधिकारी की हैसियत से पदस्थ एवं शहडोल के जिला लघु वनोपज संघ में बतौर प्रबंध संचालक यूके सुबुद्धि ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया। सुबुद्धि ने सोचा कि उनके इस काले कारनामे का खुलासा नहीं होगा, लेकिन जब उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाओं ने पूरे मामले का ऑडिट किया तो सुबुद्धि का ये गोरख धंधा खुलकर बाहर आ गया। जो ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई उसके मुताबिक
वन मंडल उत्तर शहडोल में वन मंडल अधिकारी की हैसियत से पदस्थ रहे पदेन वन संरक्षक यू के सुबुद्धि के कार्यकाल में योजना अंतर्गत जिला पंचायत शहडोल एवं जनपद पंचायत व्यवहारी से वन मंडल को 4,74,12,916 रुपए की राशि प्राप्त हुई थी, किंतु उनके द्वारा 19,30,07,916 रुपए की कैशबुक में एंट्री नहीं की गई। इसी प्रकार लेखा संबंधी प्रक्रिया एवं नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण लेखा परीक्षण में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि 3,82,13,830 के विरुद्ध कितनी राशि का समायोजन किया गया है। जिला लघु वनोपज द्वारा तेंदुपत्ता विक्रय और अन्य कार्यों से मिले लाभांश की राशि लगभग 84 लाख रुपए का वितरण सदस्य और जिले की समितियों में होना था, किंतु इस राशि का उपयोग प्रावधानों के विपरीत सड़क की मरम्मत, तालाब गहरीकरण और हैंडपंप उत्खनन में व्यय करना दर्शाया गया। उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्था द्वारा भौतिक सत्यापन करने पर पाया गया कि 23 ग्रामों में से ग्राम कुठली को छोड़कर शेष किसी भी ग्राम में सड़क मरम्मत का कार्य नहीं किया गया, अर्थात 22 ग्रामों में सड़क मरम्मत के कार्य के नाम से 20,87,000 रुपए राशि का गबन करने का आरोप है। 20 ग्रामों में से किसी भी ग्राम में तालाब गहरीकरण का कार्य नहीं किया गया, अर्थात सभी ग्रामों में गहरीकरण के कार्य के नाम से 19,31,250 रुपए की राशि का गबन करने का आरोप है। सीधी के ग्राम चौकी को छोड़कर शेष हैंडपंप का उत्खनन 50 फीट तक गहरा होना ग्रामीणों द्वारा बताया गया, जिसकी कीमत 15,000 से 20,000 रुपए प्रति हैंडपंप के हिसाब से होनी थी, किंतु पूरे जिले में 29 हैंडपंप का उत्खनन कराया गया और एक सी राशि 1,49,000 रुपए का व्यय करना दर्शाया गया, जबकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जल स्तर प्राप्त होता है। इस तरह हैंडपंप के उत्खनन के नाम पर 43,21,000 रुपए का गबन दुराशय पूर्वक शासकीय धनराशि का दुरुपयोग या व्यक्तिगत फायदे के लिए करना प्रदर्शित करता है, ये कहना है उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्था की ऑडिट रिपोर्ट का। मेरे हिसाब से तो बड़ा घोटाला 82-83 लाख का है, जो मतलब जेसी नगर व्यवहारी या उस उत्तर वन मंडल की सोसाइटी उन गरीबों के साथ जो सोसाइटी के लोग हैं उनके साथ ठीक काम नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती कोई 3-4 लाख का खर्चा डलाना कोई उचित नहीं लगता, क्योंकि सड़क एक्चुअल में बनी नहीं है। मतलब जो मैंने देखी है, बाकी का मुझे नहीं मालूम, जो 8 सोसाइटी देखी है मुझे तो किसी ने सड़क नहीं बताई और ना ही कोई तालाब गहरीकरण बताया, तो मुझे तो लगता है गड़बड़ तो है। ग्राम ग्राम पंचायतों में तालाब का गहरीकरण, मार्ग उन्नयन तथा हैंडपंप उत्खनन प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था की पंजीकृत उपविधि के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं 43 ए के अंतर्गत निधियां तथा लाभ का विनियोजन संबंधी प्रावधान है तथा संस्था उपविधि क्रमांक 24 में शुद्ध लाभ का विभाजन दिया गया है, किंतु इस प्रावधान का पालन न करते हुए संस्था को प्राप्त कमीशन की राशि का उपयोग सदस्यों की आर्थिक सामाजिक उन्नति तथा ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास में न करते हुए तालाब का गहरीकरण, मार्ग उन्नयन तथा हैंडपंप उत्खनन जैसे कार्यों में खर्च कर न केवल दुरुपयोग किया वरन सामाजिक सरोकारों के कार्यों को न करवा कर राशि का गबन किया है। कैमरामैन सचिन पाटीदार के साथ तरुण गुप्ता, बंसल न्यूज, भोपाल। यूके सुबुद्धि जहां कहीं भी पदस्थ रहे वहां उन्होंने अपने मंसूबों को अंजाम दिया। उनके खिलाफ जांच भी होती है, लेकिन जांच का कोई नतीजा नहीं निकलता। वन विभाग में बैठे अधिकारियों की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो सुबुद्धि को बचाने में जुटे रहते हैं। खैर, संघात का सफर यहीं खत्म होता है।